नमस्कार, मी सोनाली। आपण पाहत आहात जनादेश वृत्तवाहिनी। पाहूया आजच्या काही ठळक घडामोडी। अनाथ मुलांचे वसतिगृह कर्मचारी संघटनेचे आझाद मैदानात धरणे आंदोलन। राज्यातील 8 निवासी वसतिगृहातील कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घेण्याची कर्मचाऱ्यांची मागणी। मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी घेतली पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट। भेटी दरम्यान फेरीवाल्यांना संरक्षण देण्याची निरुपम यांनी केली मागणी। हिंगोलीतील कळमुनरीत पत्रकारावर झाला प्राणघातक हल्ला। हल्ल्याच्या निषेधार्थ पत्रकारांनी तहसीलदारांना सादर केले निवेदन। प्रकल्पग्रस्तांनी बंद पाडले नवी मुंबई विमानतळाचे काम। प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न जोवर सुटत नाहीत तोवर काम सुरू न करू देण्याचा संघर्ष समितीचा इशारा। आणि नवी मुंबई महापालिका महासभेत 2.5 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करणाऱ्या महापौर व उपमहापौरांचा करण्यात आला सत्कार। फेरीवाला संरक्षण कायदा लागू करावा आणि मुंबईत फेरीचा व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्यांना लायसन्स देण्यात यावे या मागणीकरिता मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबतचे निवेदन सादर केले। मुंबई ते रेल्वे स्थानक परिसरातील फेरीवाला हटाव मोहीम मनसेने सुरू केल्यानंतर आता या फेरीवाल्यांना संरक्षणाकरिता काँग्रेस मैदानात उतरली। मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन फेरीवाल्यांना संरक्षण देण्याची मागणी केली। पिछले कई दशक से मुंबई का एक ज्वलंत मुद्दा है फेरी वालों का प्रश्न। ये महानगर पालिका की जवाबदारी है कि फेरी वाले के इस प्रश्न को हल करें। 2014 से पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, कायदा नहीं था। 2014 में भारत के पार्लियामेंट ने कानून पास किया जिसमें महानगर पालिकाओं को ऑथोराइज किया कि आप अपने शहर में टोटल आबादी के 2% लोगों को फेरी का धंधा करने का लाइसेंस दे सकते हैं। मैं पिछले 3.5 वर्षों से महानगर पालिका के कमिश्नर साहब के पास फॉलो अप कर रहा हूँ कि आप इस कानून को लागू करें। और इस कानून को लागू करने का मतलब यह है कि सबसे पहले आपको सर्वे करना है, एक टाउन वेंडिंग कमेटी बनानी है और वो कमेटी हॉकिंग और नो हॉकिंग जोन डिमार्क करके देगी। और उसके बाद वही कमेटी जो हॉकर्स धंधा करना चाहते हैं ऐसे हॉकर्स को लाइसेंस देगी। आज मुंबई में वैध अवैध सब मिला दें तो 2 लाख से ज़्यादा हॉकर नहीं है, लेकिन कायदा के हिसाब से पूरी लोकसंख्या के 2% लोगों को हॉकिंग का लाइसेंस दिया जा सकता है। मतलब 3.5 लाख लोगों को हॉकिंग का लाइसेंस मिल सकता है। अर्थात अगर ये कानून आप लागू करते हैं ईमानदारी से तो मुंबई में जितने भी हॉकर्स हैं सबको लाइसेंस मिल सकता है और कोई अनधिकृत या अवैध नहीं माना जाएगा। और इस नाते मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि आप इस कानून को लागू करें। फेरीवाला संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता मागील 3.5 वर्षांपासून सरकारने कोणतेच पाऊल उचलले नाहीये, त्यामुळे महापालिका आयुक्त कोणाच्या दबावामुळे हा कायदा लागू करत नाही असा थेट सवाल निरुपम यांनी केलाय। 3.5 वर्षों में सरकार ने कोई रस नहीं दिखाया, कमिश्नर साहब ने कोई इच्छा नहीं दिखाई है। और मैं सवाल उठाता हूँ कि आखिर महानगर पालिका किन मजबूरियों के तहत मुंबई में फेरीवाला संरक्षण कानून नहीं लागू कर रही है? कौन सी ताकतें हैं जो महानगर पालिका और कमिश्नर साहब को रोक रही हैं? कौन सी ताकतें हैं जो टाउन वेंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बनाने दे रही हैं? कौन सी ताकतें हैं जो फेरी वालों का सर्वेक्षण नहीं होने दे रही हैं? कौन सी ताकतें जो चाहती हैं कि मुंबई में अवैध फेरी का धंधा चालू रहे? क्योंकि अवैध फेरी के धंधे से बड़े पैमाने पर हफ्ता वसूली होती है और इस हफ्ता वसूली में शिवसेना बीजेपी और कमिश्नर खुद शामिल हैं क्या? ये भी एक सवाल उठता है, क्योंकि इस कानून को जैसे ही लागू करेंगे हफ्ता वसूली का धंधा खत्म हो जाएगा। अवैध फेरीवाल्यांमुळे एल्फिन्स्टन ब्रिज सारखी घटना घडली ज्यामध्ये कित्येकांना आपले प्राण गमवावे लागले, त्यामुळे अशा फेरीवाल्यांना तेथून हटवले पाहिजे असे संजय निरुपम यांनी सांगतानाच मनसेवर निशाणा साधला। फुट ओवर ब्रिज पे अगर कोई धंधा कर रहा है गलत है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन ये अधिकार मनसे को किसी ने नहीं दिया है। स्टेशन के एंट्रेंस और एग्जिट के ऊपर चुकअप करके अगर फेरी वाले बैठे हैं तो उनको हटाया जाना चाहिए, मैं भी ऐसा मानता हूँ, लेकिन उनको हटाने का अधिकार मनसे के गुंडों को किसी ने नहीं दिया है। जानबूझ के राज ठाकरे की एक सभा होती है, सभा में वो धमकी देते हैं कि 15 दिन के अंदर अगर नहीं हटाया तो मैं एक्शन लूंगा, और पुलिस तमाशा देखती रहती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो स्वयं गृह मंत्री हैं वो चाहते हैं कि मनसे वाले इस तरह का उत्पात मचाएं और एंटी नॉर्थ इंडियन कैंपेन चलाएं, और ये जानबूझ के बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधताना संजय निरुपम यांनी शेतकऱ्यांना करण्यात आलेली कर्जमाफी ही फसवी असून मुख्यमंत्री स्वतःच्या प्रचाराकरिता
करोडो रुपये खर्च करीत असल्याचेही त्यांनी यावेळेस म्हटले. ये जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ये अपने प्रधानमंत्री के पक्के फॉलोअर हैं. नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 3 वर्षों में अपना चेहरा पूरे देश और दुनिया को दिखाने के लिए 1100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. तो बिल्कुल उनके फॉलोअर बनके मी मुख्यमंत्री बोलते हुए इस रेडियो प्रोग्राम के ऊपर उन्होंने 5 करोड़ रुपये खर्च किया, मैं इसका निषेध करता हूँ. आज किसानों को जो कर्ज माफी का ड्रामा किया जा रहा है, सिर्फ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है कि कर्ज माफ हो गया. कितना कर्ज माफ हुआ अभी तक लिखा नहीं गया उस पर. ये बिल्कुल उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ हुआ. कितना कर्ज माफ हुआ? 9 पैसा, 13 पैसा, 3 पैसा. आज 3 पैसा गिनना मुश्किल है. तो ये बीजेपी वाले किसानों का जिस तरीके से तकलीफ का मजाक उड़ा रहे हैं वो एक निंदनीय है. मैं उसका निषेध करता हूँ और मैं चाहूँगा कि सरकार संवेदनशीलता से अपने किसानों का ख्याल रखे और अपने प्रचार प्रसार के ऊपर इतना फिजूल खर्ची कम करे. कैमरा वुमन सुचिता सह कीर्ति पवार जनादेश वृत्तवाहिनी करिता.